बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इस 2020 के बारे में, जो कि 2020 का सेशन आ रहा है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं हम पिछले साल की, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर रहा 2019 में। वहाँ क्या डिफरेंसेस रहे आपके अंदर और मेरे अंदर? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस रहे आपके अंदर और मेरे अंदर? क्यों मैं MLM मार्केट में गया, क्यों मैंने मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करा, क्यों मैंने इस एफिलिएट टूल्स को यूज करा और कितना मैंने यहाँ पर काम किया और आपने कितना काम किया, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में जो भाई लोग मंथली वन टाइम सैलरी लेते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जाते ऑफिस डेली हैं लेकिन मंथली वन टाइम सैलरी लेते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं अपने प्रीवियस ईयर से, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने वन ईयर में मोस्टली एवरी डे सैलरी ली है। जी हाँ फ्रेंड्स, एवरी डे सैलरी ली है। अब ये होता कैसे है कि एवरी डे सैलरी लेना? यही डिफरेंसेस हैं आपके बीच में और एक नेटवर्क मार्केटर में या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले में, कि कैसे वो डेली सैलरी लेता है या वीकली सैलरी लेता है या 15 डेज में सैलरी लेता है, वाइल जो पर्सन ऑफिस जा रहा होता है वो मंथली काम करने के बाद वन टाइम सैलरी लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो मंथली वन टाइम सैलरी लेता है और ये सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सब। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था और जब मैं 2016 में इस इंडस्ट्री से बाहर आया था, तब मैं सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock, या फ्रेंड्स सुबह लगभग 7:15 बजे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता था और रात को 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। और उस वक्त भी जो रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट क्या होते थे कि मंथली वन टाइम पैसा आता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो काम गलत है, लेकिन मैं साथ में कुछ और पैसिव का देख रहा था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का देख रहा था और वो इनकम देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब MLM मार्केट में आ गया, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। और बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट को गंदा समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर जो अपने लॉसेस करते हैं तो गालियाँ भी देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को क्या बनाया, एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचाया, जिनके सपनों को पूरा किया। उनमें से कुछ मेरे सपने भी इस इंडस्ट्री ने पूरे किए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड कैसे टीम को बनाते हैं, या वर्ल्ड वाइड लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, वर्ल्ड वाइड जो भी मेरे साथ में काम कर रहे थे भाई लोग मिले, और साथ ही साथ में कई सारे इंटरनेशनली टूर करवाए। जिस बंदे को ये नहीं पता था कि फ्लाइट में कैसे बैठते हैं, आज उसके एक महीने के अंदर 2 से 3 ट्रिप फ्लाइट के अंदर अगर हो जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, तो ये इस एफिलिएट मार्केट का, इस MLM का, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है। एक टाइम वो भी था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, भाई लोग मुझे बुलाते थे कि भाई आजा, एक प्लान है उसको देखना है, तो दिमाग में कह रहा था मेरा, यार ये प्रोग्राम तो वही है बंदे जोड़ने वाला। जब तक दिमाग से ये रहा कि ये बंदे जोड़ने वाला प्रोग्राम है, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन बाद में जब मुझे रियलिटी समझ में आई, तो समझ में आया कि ये कितनी बड़ी पावर है। और इस पावर का एक सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि डेली ऑफिस जाता है, जो पर्सन डेली ऑफिस जाता है, अगर मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूं, तो आपको भी पता होगा कि जो बंदा डेली ऑफिस जाता है उस वह 8 बजे घर से निकलता होगा। कई बार लोगों को 7 बजे भी निकलना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक है, या फिर कई बार ऑफिसेज दूर होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, मेट्रो लेकर जाना है अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो, या फिर अगर घर में भी हैं तो आपको तब भी आपको प्रॉपर 2 घंटे पहले से अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी पड़ती है, और आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, शाम को 5 बजे आपकी जो ऑफिस से छुट्टी होती है। टोटल आपने कितनी देर काम किया, अगर हम बात करते हैं 9 से 5, तो आपने 8 घंटे काम किया, प्लस 2 घंटे सुबह आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं, शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा शाम को लग जाते हैं, तो मोस्टली पर डे आप काम कितना कर रहे हैं, 12 घंटे का काम कर रहे हैं। मैं भी यही करता था 2016 से पहले, 12 साल मैंने भी यही काम किया है जो आप कर रहे थे। अब अगर मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो ट्यूशन पढ़ाने में क्या होता था कि भाई कभी यूनिट एग्जाम्स चल रहे हैं, कभी एग्जाम्स चल रहे हैं, कभी प्री चल रहे हैं, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, छुट्टी हो ही नहीं पाती थी। लेकिन मैं अगर ऑफिशियल बात करता हूं, तो ऑफिशियल के साथ में अगर हम समझते हैं, तो एक महीने में जो मैं बात करता हूँ, MNC में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन जो MNC में काम नहीं कर रहे हैं उनको केवल संडे संडे की छुट्टी होती है। तो एक एवरेज लेके चलते हैं कि हम जब एक महीने में अगर 4 दिन भी छुट्टी रहती है, तो 26 डेज तो बंदा यार एटलीस्ट काम करता ही करता है। अगर हम 26 को ये 12 जो
पर डे के आवर्स इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग जो है आपके 312 घंटे बनते हैं। मीन्स आप एक महीना ऑफिस जाते हैं, 312 घंटे काम करते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आपने एक साल काम किया किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में जाकर अगर आपने एक साल काम किया, तब 312 को आप फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यार 12 महीने होते हैं, तो आपके लगभग ये बनते हैं 3744 घंटे। 3744 घंटे आप एक साल में काम करते हैं और 12 बार सैलरी लेते हैं, मींस महीने में एक बार। मैंने क्या किया पिछले 4 साल के अंदर में, और तो 2016 से के बाद में मैं जिस इंडस्ट्री में आया, मींस इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आया, इस MLM इंडस्ट्री में आया, इस एफिलिएट मार्केट में आया, तो वहां पर मैंने एक प्रोग्राम, टाइम टू टाइम मैंने भी कई सारे प्रोग्राम्स को चूज किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है, गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर भी, और जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां भी आपकी गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां भी है, जब तक कंपनी के सिस्टम ठीक चल रहा है, आपको जॉब पे सैलरी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, जिस दिन कंपनी में कोई लॉसेस होते हैं वो कंपनियां भी बंद हो रही हैं, और पिछले 4 से 5 साल के अंदर ऐसी लाखों कंपनियां जो कि बंद हुई हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो 2016 से मैंने बाद में जो भी कुछ किया उसमें से मैं दोबारा का अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कंपनी की, उसमें से 2 कंपनी मेरी कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें से एक मेरा इंडियन प्रोग्राम है जिसको मैं लगभग 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ और 3 साल से वो टाइम से पैसा दे रहा है। दूसरा प्रोग्राम जो है वो मेरा इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसको कि मैं कर रहा हूँ, और इंटरनेशनली करने के पीछे का जो रीजन है वो सबसे बड़ा यही है कि इससे आपको तो वर्ल्ड वाइड टीम मिलती है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, चीजों को समझने का मौका मिलता है, प्लस आपको एजुकेशन का भी नॉलेज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब डे बाई डे जाते हैं कहीं भी तो आपको नॉलेज तो मिलता ही है यार। तो मेरे साथ में, जो मेरे दोनों प्रोग्राम है उनमें लगभग 1935 लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। क्या बोला, सुना आपने, 1935 लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं इन दोनों सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों को मिलाकर। अब मैं यहां 1935 का अगर एग्जांपल नहीं देता हूं, मैं अगर 1000 लोगों का भी एग्जांपल दूं, 1000 लोग अगर वो सब काम अपने लिए कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली काम मेरे लिए हो रहा है, और यही पावर है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, यही वो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ भाई लोग हैं जो कि राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, और कुछ भाई लोग हैं जो सेट वर्कर हैं, वो सेटिंग के चक्कर में लग रहे हैं कि उनका भला हो जाए, बेशक टीम का भला हो चाहे ना हो, यहाँ जस्ट अपोजिट है। जब तक सिस्टम चलेगा एक एक पर्सन के लिए फाइट होगी कंपनी से। क्यों? क्योंकि मैं तभी यहाँ पर हूँ जब आप लोग मेरे साथ हैं, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं तो ऑटोमेटिकली नहीं हूँ। तो ये जो 1935 लोग हैं, इसमें से मैं अगर 1000 लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, भाई 1000 लोग काम करते हैं तो एक एक घंटा भी अगर वो जाते हैं मार्केट में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ईमेल मार्केटिंग में, जहां भी वो किसी भी तरह से जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, तो रोज मेरे लिए 1000 घंटा काम होता है। करते वो अपने लिए हैं लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे लिए भी हो रहा है। अगर उस 1000 घंटे को भी मैं मन एजा देखता हूं कि कंपनी की तरह कि भाई 26 दिन या 22 दिन जो भी काम होता है, चलो मैं 26 की भी एक कैलकुलेशन लेके लेके चलता हूं, तो 26,000 आवर्स एक मंथ के अंदर मेरे लिए काम होता है। अब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक मंथ में 3,700 समथिंग काम हो रहा है, और मेरे लिए कितना काम हो रहा है, 26,000 आवर्स। तो ज्यादा इनकम किसको आएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2018 की हम बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3,12,000 घंटे बनते हैं कि मैंने 2018 में 3,12,000 घंटे काम किया। अब मेरे तो दादाजी, परदादाजी और उनके परदादाजी भी आ जाते तब भी लाइफ में पॉसिबल नहीं था कि इतना काम हम पूरी लाइफ में करें। मेरी कई पीढ़ियां, अगर मैं अभी जॉब कर रहा होता तो मेरी कई पीढ़ियां निकल जाती इतने आवर्स काम करने में, और उसके बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते
जो आज मुझे मिल रहे हैं या मेरे जैसे वो भाई लोग जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ में काम कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं। डिसीजन आपको लेना है कि जैसा आपने प्रीवियस अपनी लाइफ को गुजारा है वैसे ही गुजारना है या अपनी लाइफ को चेंज करना है। 2020 पहले ट्रेंड था आपके पास में टेस्ट मैच का, फिर ट्रेंड आया वनडे का, फिर ट्रेंड आया 2020 का। तो जैसे वहां ट्रेंड चेंज हो रहा है वैसे ही हमें भी टाइम के हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी नोकिया जैसा होगा, हमारा हाल भी HMT जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिद पकड़ के रखी, उन्होंने उन चीजों को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया और आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो मेरे चैनल पर आप बने रहें, इसमें भी आपको मैं अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। अगर आपको लगे कि रिंकू शर्मा या उसकी टीम के साथ में अगर आपको काम करना है तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमें। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, हमसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में, आप उनको भी करें, लेकिन कोई भी काम ईगो के साथ में और जिद के साथ मत करें कि नहीं भाई रिंकू शर्मा का साथ मुझे काम नहीं करना या रिंकू शर्मा से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास पड़ी हुई है। पिछले 4 महीने का एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छे अच्छे लीडरों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि रिंकू भाई क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं ये कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या बोला, तुमसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। 4 मंथ के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज सारी की सारी गई, जहां मैं कर रहा था वो आज भी वहीं स्टेबल है, आज भी वहीं स्टेबल है। तो दोस्त 2016 में मैंने सीखा, 2017 में ओवर कॉन्फिडेंस में आया, बहुत सारी गलतियां की, अपनी टीम का लॉस करवाया, टीमों का लॉस करवाया। 2018 में एक सिंगल IPO, एक सिंगल कॉइन प्रमोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता था कि क्या होने वाला है। कंटिन्यू अपनी टीमों के साथ रहा, अपनी टीमों को सपोर्ट किया, इंडिया के जिस कोने में मेरी टीम थी उनके लिए वहां पर गया, उनको हेल्प करी। 2018 में इंटरनेशनली गया, जो मेरी टीम में काम करी थी उनको हेल्प करने के लिए और उनको हेल्प की। 2020 में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको लगे कि रिंकू शर्मा या उसकी टीम के साथ जाना है, सबका मोस्ट वेलकम है, आओ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई अब भी वही छोटे छोटे से प्रोग्राम 10 रुपये 20 रुपये ये वो ऐसा वैसा, 24 घंटे में डबल, 48 घंटे में डबल, 3% डेली, 4% डेली, अगर यही खेलना है तो अभी खेलें आप, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और साथ साथ में मेरा 2019 के बाद 2020 में एक उनके लिए भी जो मेरे हेटर्स हैं उनको भी मैसेज है कि आपके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है, अपने जो डिसलाइक हैं उनको ठोकना बंद मत करें, क्योंकि जब तक आपके डिसलाइक मिलते रहते हैं इधर मोटिवेशन आता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।